हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मैथ्स क्लिक में। आज हम लोग देखने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। कल हम लोग देखे थे इंट्रोडक्शन पार्ट, और आशा करते हैं कि वो वीडियो आप लोगों ने देखना होगा। अगर नहीं देखे हैं तो आई बटन पे जाके जस्ट देखिए उसको, और आ जाइए प्रैक्टिस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस। क्वेश्चन क्या है, एक पतंग जिसकी डोरी की लंबाई 165 सेंटीमीटर है, क्षैतिज तल के साथ मतलब ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो पतंग की ऊंचाई ज्ञात करें। पतंग उड़ाई होगी मकर संक्रांति में, वो डोरी कटी कटी नहीं तो वही करेंगे यहाँ पे। चलिए वहां पे उसका क्या निकालेंगे, कितना हाइट गया वो निकालेंगे। नहीं तो चलिए फोड़ते हैं, आइए इसका नाम ए बी सी रख देते हैं। नहीं कहता पतंग जिसकी डोरी की लंबाई 165 सेंटीमीटर है। हाँ, ये आप कल्पना कीजिए कि ये डोरी क्या हो, तनी हुई हो है, पूरे डोर टाइट हो। ये हो गया 165 सेंटीमीटर। नहीं और हमसे पूछा क्या है, क्षैतिज तल के साथ, यानी कि ये हो गया ग्राउंड, क्षैतिज तल के साथ ठीक है, कितना डिग्री कोण बनाता हो, यहां से 30 डिग्री का कोण बनाती हो है ना। तो पतंग की ऊंचाई ज्ञात करें, ये मुझे फाइंड आउट करना है। ये तो फाइंड करेंगे, बहुत मजा आएगा। गिवन क्या है, सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन में गिवन क्या है, गिवन है पतंग की डोरी की लंबाई जो है कितना है, 165 सेंटीमीटर है ठीक है, और ग्राउंड के साथ वो कितना डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री के। तो मुझे ये फाइंड करना है, तो बताइए लंब और कर्ण किसका रेशियो होता है। पढ़े होइएगा, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाए थे। बताइए किसका रेशियो और कर्ण, ये हाइट और ये कर्ण हाइपोटेनस, किसका होता है रेशियो, साइन का है ना, लंब बटा कर्ण, साइन का होता है ना, साइन लगाएंगे यहाँ पे, क्या लगाएंगे, साइन थीटा कितना है, 30 डिग्री सर। इसका रेशियो कितना होता है, पी बाय एच, यानी कि ए बी बटा ए सी, मतलब सर पी बाय एच है याद रखने के लिए। चलिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 लिख रही है। ए बी कितना है पता ही नहीं है सर, वही तो निकालना है। ए सी कितना है, 165 ठीक है। तो ए बी बराबर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 165/2, नहीं डिवाइड करिए, डिवाइड करिएगा तो ये आ जाएगा आपको, ए बी बराबर 165 में करिएगा तो 8 2 2 8 16 2, ये हो जाएगा 5, इतना सेंटीमीटर वो ऊंचा उड़ रहा होगा पतंग है ना। मकर संक्रांति में जो वो क्या करते हैं, लटाइड जो होता है लटाइड, उससे क्या करते हैं रील यानी कि धागा को निकालते रहते हैं और देखते हैं कितना हाइट गया, हाइट जाने पे दूसरा पतंग को पटाख से काट देते हैं और लूटते हैं उसको है ना। 82.5 सेंटीमीटर वो ऊपर उड़ रहा होगा है ना। इस क्वेश्चन का हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।